हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी वेजिटेबल पैनकेक। तो हेल्दी क्यों है? क्योंकि हमने इसमें सारी वेजिटेबल ही है, क्योंकि मोस्टली बच्चे हैं या बड़े सब्जी नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर आप इस पैनकेक में वेजिटेबल डालेंगे तो बच्चे और आप भी आसानी से खा लेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ एक कप ये सूजी ली है, कटा हुआ धनिया लिया है, कटी हुई शिमला मिर्च और कटा हुआ टमाटर, और ये कद्दूकस की हुई गाजर लिए है, और मटर लिए है। ये मटर मैंने बॉईल की हुई ली और एक कप में मठा ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये नमकीन वेजिटेबल पैनकेक किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उस बाउल में सूजी को डालेंगे। अब इस सूजी में हम मठे को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसको चलाएंगे। फिर से इसमें मठा डालेंगे और चलाएंगे। अब यहाँ जो हमारी वेजिटेबल है वो इसमें डालेंगे सूजी में। तो पहले हमने मटर के दाने डाल दिए, अब यहाँ हम शिमला डालेंगे, अब यहाँ हम टमाटर डालेंगे, अब जो हमने कद्दू की कसकी हुई गाजर है वो मिक्स करेंगे। अब धनिया डालेंगे। सारी वेजिटेबल डालकर अच्छे से चलाएंगे। अब यहाँ मसाले डालेंगे, ये आधा सा चम्मच लाल मिर्ची और एक चम्मच करीबन नमक। नमक और मिर्च डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को। अब सूजी को फुलाने के लिए थोड़ा हम खाना सोडा डालेंगे, आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं। चुटकी भर खाना सोडा जाएगा बस, और खाना सोडा डालकर अच्छे से पैक लेंगे। थोड़ा सा और मीठा डालकर तो देखिए फिट कर तैयार हो चुका है। इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये हमारा जो पैनकेक का बैटर था वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और ये सूजी फूल भी गई है अच्छे से। अब हम इसका प्रोसेस तैयार करते हैं कि पैनकेक किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पैन रख लिया है गैस पर। अब पैन में घी डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और आप मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ देसी घी लिया है, घर का है ये भी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि घी किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ घी को गर्म करेंगे पहले और राई डालेंगे। और राई को अच्छे से भून लेंगे।
जैसे ही राई भुन जाएगी तो उसमें तेली डालेंगे, और जो हमारा पैनकेक का बैटर था वो उसमें डाल देंगे पैन। और उसे चम्मच से इस तरह से चला देंगे। अब इसको बिल्कुल स्लो गैस पर ढककर रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा। तो ये हमारा एक साइड से पक चुका है। अब इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। तो सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। इसको बहुत ही आसानी से निकालें और जिसे टूटे ना। तो यह हमारी राई पक चुकी है। अब तेल डालेंगे इसमें। तेल डालने के बाद इस तरह से दोबारा पकाएंगे। अब इसे ढकने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक साइड से पक चुका है। तो पैन को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मीडियम गैस पर कम से कम 5 मिनट के लिए रखें और उसके बाद देखें कि किस तरह से सिका है। वैसे हमारे यहाँ से पैनकेक भी कहते हैं और इसे नमकीन ढोकला भी कहते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं इस डिश को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब हम करते हैं गैस बंद और देखते हैं। ये हमारा दोनों साइड से सिक चुका है अच्छे से। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है। ऊपर से हम करेंगे धनिया सर। तो देखिए फ्रेंड, इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है ये। और अगर आप इस डिश को बनाएंगे तो आप बाहर की चीज़ों से बचेंगे खाने से, और आपके बच्चे भी बहुत ही आसानी से खाएंगे इसे और भी मांगेंगे। और ये खाने में बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल हैं और सूजी है और घी हमने यूज़ किया है। अब हम इसके कट कर लेते हैं। इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है ये हमारा पैनकेक। और आप चाहें तो इसका सैंडविच भी बना सकते हैं पैनकेक से, और इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं। चाहें सुबह आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या इवनिंग में चाय के साथ खा सकते हैं।